छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ के विधायक भुवनेश्वर बघेल ने अपने जन्मदिन पर जिम की सौगात दी है। आपको बता दें कि उन्होंने नेहरू महाविद्यालय में जिम का लोकार्पण किया। इस कार्य को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए शासन ने अनुमानित राशि 35 लाख स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि का इस्तेमाल फव्वारा लगाने, घास बिछाने और जिम बनाने में खर्च हुआ है। जन्मदिन के अवसर पर विधायक के द्वारा नगर के विभिन्न वार्डों के लिए कुछ गिने चुने हितग्राहियों को भू स्वामित्व का अधिकार देने के लिए पट्टा वितरण भी किया गया। अब ये सवाल उठता है कि कुछ ही लोगों को विधायक के द्वारा पट्टा दिया गया है, वहीं दूसरी ओर विधायक की अगुवाई में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। इस दौरान सरकार की नीतियों का विरोध किया गया। यहां ये भी बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कोई नहीं देखा गया। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। कांग्रेस ने जो कहा था वो आज कर दिखाया। विधानसभा चुनाव और नगर पालिका चुनाव के पूर्व हमने गरीब तबके के और गरीब बस्ती के लोगों को हमने वादा किया था कि हम आपको मालिकाना हक देंगे, इसीलिए जो कहा हमने वो कर दिखाया। और उन लोग कई सालों से रह रहे थे मगर उनको मालिकाना हक नहीं मिल रहा था, ताकि उनको किसी भी योजना, सरकारी योजना जैसे PMY का योजना आ रहा है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो इस पट्टा वितरण के माध्यम से उन गरीब परिवारों को अब घर बनाने का अवसर प्राप्त होगा। और आज माननीय हमारे विधायक भुवनेश्वर बघेल जी का जन्मदिन है, उस शुभ अवसर पर हमने आज पट्टा वितरण का कार्यक्रम रखा, जिसमें प्रशासन और नगर पालिका परिवार ने पूर्ण रूप से सहयोग किया। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.